गौरव, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक ही तो नहीं है, तभी तो कॉल किया है। क्या हुआ मेरी जान, बोलो। मेरा ना मूड बना हुआ है। तुम्हारा मूड तो हर रात को बन जाता है, इसमें कौन सी नई बात है? हमने कभी नाइट स्पेंड नहीं करी ना, तो ये रीज अधूरी रह गई है। आ जाओ फिर घर पर, ये रीज भी पूरी कर दूंगा। अभी नहीं आ सकती, मगर फुल नाइट तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। ये तो तभी पूरा होगा ना जिस दिन तुम्हारे पापा नाइट आउट के लिए अलाउ करेंगे। उनसे तो जैसे तैसे परमिशन ले लूंगी। तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना मेरा एक ड्रीम है जो मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यार रात का तो प्लान कर लेंगे, पहले कल दिन में तो मिलो। वो तो कल मिल ही लेंगे, पर जो आज मूड बना है उसका क्या करूं? उसका हल तो तुम्हारे हाथों में है। हाथ में? हाँ, अपना हाथ देख, सब पता लग जाएगा। चल कल मिलते हैं, बाय। हेलो डार्लिंग। हाय, कैसी हो? मस्त। आओ आओ अंदर आओ, बैठो। और बताओ फिर, कैसी रही तुम्हारी रात? अच्छी थी, क्योंकि उसका हल तो मेरे इन हाथों में था। लेकिन जो मजा ओरिजिनल पिस्तौल चलाने में, वो डमी में कहाँ? कोई बात नहीं, ओरिजिनल पिस्तौल भी हमारे पास, वो चला लेते हैं। क्या यार हैरी, तू हमेशा गलत टाइम पे फोन क्यों करता है? यार मैं तो किसी भी टाइम लगा दूं, तेरा तो साला गलत टाइम चलता ही रहता है। अरे बस कर, मैं इतना भी चालू नहीं हूँ। चल काम बोल। काम तो कुछ खास नहीं, मैं सोच रहा था कि हम आज मिलते हैं और थोड़ी गपशप भी कर लेंगे। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। यार कब तक तू ये वर्जिन वर्जिन करता रहेगा? कोई गर्लफ्रेंड ही बना ले, नहीं तो मैरिज ही करवा ले। भाई मैं आज तक वर्जिन था और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे वर्जिन लड़की ही मिले। अरे पगला गया क्या तू? वर्जिन है तो मतलब हर कोई वर्जिन है? अबे कौन सी सदी में जी रहा है तू? भाई इतना भी जमाना नहीं बदला जितना तू बोल रहा है, और तू देखना मैं भी एक लड़की ढूंढ ही लूंगा, ये मेरी भी जिद है। भाई हम जैसे उन्होंने ना सब कुछ ओद रखा है, तुझे वर्जिन लड़की नहीं मिलने वाली, शर्त लगा ले। तुझे ऐसा लगता होगा भाई, ये इंडिया है, कोई यूएसए का न्यूयॉर्क नहीं जहाँ ये सब खुलेआम चलता हो। यहाँ आज भी वर्जिन लड़कियां मिल जाती हैं। यार क्या तू हमेशा वर्जिन वर्जिन करके इस महफिल की ऐसी तैसी कर देता है? कोई और बात कर ले, नहीं मिलने वाली तुझे। मिलेगी नहीं भाई, मिल गई है। क्या
क्या बोला तू? भाई यार मुझे वर्जिन लड़की मिल गई और मेरा रिश्ता भी फिक्स हो गया है। अरे वाह यार, आखिरकार तूने कर ही दिखाया। मुबारक हो मेरे दोस्त। और फिर मैरिज पे कब बुला रहा है? बहुत जल्द, बस मैरिज की डेट फिक्स होने वाली है, बस तू आ जाना। पक्का यार पक्का, तब तो तेरी शादी में घोड़ी के आगे मैं ही नाचूंगा। हेलो। क्या हुआ, अभी भी दिमाग को सेक्स चढ़ रखा है क्या? ओह माय बेबी। और फिर कैसा रहा आज? अच्छा था, बट मुझे ये था कि एक रात तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। यार तेरी गरारी नाइट पे क्यों अटकी हुई है? क्या करूं यार, मेरा माइंड ना सेट हो चुका है इस बात पे। मुझे है कि तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करने का मजा ही अलग होगा। चल कोई बात नहीं, जब मर्जी बना लेना, मगर रात को निकलोगी कैसे? बेटा अभी तक सोई नहीं। सो रही हूँ पापा। पापा चाय। ईशा बेटा कुछ दिन है तू मेरे पास, उतना टाइम तो मेरे साथ बात कर लिया कर। अब आपके साथ तो बैठी हूं ना, मगर दोस्तों को भी टाइम देना होता है। क्या हुआ भाई आज सुबह सुबह ही, सब ठीक तो है? हाँ भाई, मेरी मैरिज की डेट फिक्स हो गई है और ये ले कार्ड। अच्छा देखें तेरी मैरिज में कितने दिन रह गए, हम तो करें तैयारी। तैयारी ऐसी वैसी नहीं, पूरा सज धज के आना होगा। भाई तू बोल तो सही, मैं तो शेरवानी पहनकर धुला बनकर भी आ सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शादी मुझे करनी है, तुझे नहीं। और इतनी मुश्किल से तो वर्जिन लड़की मिली है, वो भी तुझसे पढ़वा दूं। पापा ये लो चाय, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरी फ्रेंड की शादी है ना, तो अभी मेहंदी के लिए जा रही हूँ, रात को लेडी संगीत है। फिर मेरे डिनर का क्या होगा? पापा अभी मेहंदी के लिए जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी, लेडी संगीत तो रात को है ना। चलो ठीक है। ओके पापा बाय। तुम्हारी सेहत ठीक तो है? हाँ मुझे क्या होगा, मुझे लगा कहीं वही। नहीं अभी उसमें 3-4 दिन पड़े हैं, पर तुम्हें क्यों ऐसा लगा? क्योंकि जब वही दिन होते हैं तभी तो हम पार्क में मिलते हैं, नहीं तो सारी बातें बेड पर हो जाती हैं। चुप रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चलो फ्लैट पर कर लेते हैं सारी बातें। आज सब कुछ हम रात को ही करेंगे। रात को कैसे? मुझे ना बहाना भी मिल गया, मेरी फ्रेंड की शादी है और आज लेडीज संगीत है, तो मैं उसी का बहाना लगा कर आऊंगी। देख ले कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बाप तुझे आने भी ना दे। डोंट वरी, मैंने पापा से बात कर ली है। ईशा बेटा होगी तैयार? हाँ जी पापा, ऑलमोस्ट होगी। चलो हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ।
जब तुम फ्री हो जाओगी ना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पापा मैं खुद चली जाऊंगी। अरे रात है, कहाँ कैब में जाओगी? वैसे भी रात को कैब में जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं कैब में थोड़ी जा रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड आएगी ना कार लेके, तो मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। चलो ठीक है, मगर टाइम से आ जाना। अरे आप क्यों फिकर करते हैं, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, और वैसे भी आज रात मुझे खूब नाचना है, और अगर नाचते नाचते लेट हो गया ना तो मैं वहीं पे सो जाऊंगी, कल मॉर्निंग आऊंगी। अच्छा ठीक है, टाइम से चली जा। ओके पापा मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है बाय। वेलकम स्वीट हार्ट। आज रात रंगीन करने से पहले कुछ जाम हो जाए। थैंक यू। और बताओ फिर, तुमने अपनी जिद पुगाई ली? एक और बना दो। इतने भी क्या जल्दी है, घर वापस जाने का इरादा है क्या? जल्दी घर जाने की नहीं है, इस रात को एंजॉय करने की है। इसका मतलब तुम ड्रिंक को एंजॉय का पार्ट नहीं समझती? अगर ड्रिंक करके एंजॉय करना होता तो पार्टनर की जगह बोतल से सब काम ना चला लेते। हेलो ईशा बेटा। हाँ जी पापा। पहुँच गई फ्रेंड के घर? हाँ जी पहुँच गई। पक्का पहुँच गई ना? अरे आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। अच्छा, पर वो लेडी संगीत की आवाज नहीं आ रही। क्या पापा क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ पीछे आवाज नहीं आ रही लेडी संगीत की। पापा वो ना लाइट चली गई है ना, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। पापा लाइट आ गई, सुन गया ना? हाँ हाँ सुन गया। अच्छा बेटा ख्याल रखना अपना, टाइम से आ जाना। मैं कभी झूठ थोड़ी बोलती हूँ। हाँ हाँ पता है। चलो पापा मैं फ्रेंड्स के साथ नाच लूँ, बाय। तो फिर अब कहाँ नाचोगी तुम? तुम्हारे ऊपर। हाँ जी पापा। ईशा बेटा बहुत नाच रही रात भर, अब तो घर आ जा। ओके आती हूँ। क्या बोले? कह रहे हैं रात भर बहुत नाच ली, अब घर आ जा। सही तो बोल रहे हैं, रात में ऊपर चढ़कर बहुत नाची हो तुम। क्या करूं, जितना करती हूं उतना ही मजा आता है। चलो अब तुम्हें घर जाना होगा। घर मुझे जाना है और जल्दी तुम्हें हो रही है। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम रात को टायर्ड होगी होगी, घर जाओ और रेस्ट करो। ऐसी गेम खेलकर भी कोई टायर्ड होता है क्या? चलो मान लेते हैं। मानने से काम नहीं चलेगा। तो फिर और क्या करूं? एक बार और करते हैं।
यार ईशा क्या हुआ? अर्ली मॉर्निंग कौन करता है? हम करते हैं ना, रात का तो हो गया था, सुबह का भी देख लेते हैं। यार ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें? हुआ कुछ नहीं है, जितना टाइम तुम्हारे साथ हूँ तो उतना टाइम हर टाइम का मजा लेना चाहती हूँ। हाँ हैरी। गौरव यार मैरिज के लिए कुछ शॉपिंग करनी है तो चलना मेरे साथ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे 2 घंटे दे, आता हूँ मैं तेरे पास। यार 2 घंटे नहीं, 20 मिनट में पहुंच मेरे पास, बहुत काम है करने के लिए अभी। चल ठीक है, मिलता हूँ तुझे। यार मुझे ना जाना होगा, वो फ्रेंड की मैरिज है ना, तो शॉपिंग करने के लिए जाना है। क्या गौरव, तुम्हें फ्रेंड की मैरिज की पड़ी है, मेरे बारे में कौन सोचेगा? यार तुम्हारे लिए रात भर जागा हूँ मैं, और काम करने में तो जरूरी है। सब कुछ अभी खत्म कर दोगी तो आगे क्या लेकर जाओगी? सीधा बोल दो ना, अब तुमसे कुछ होगा नहीं। अरे हो तो बहुत कुछ आएगा, मगर और काम करने भी जरूरी है। चलो मैं निकलता हूँ और तुम्हें छोड़ दूंगा रास्ते में। चलो। अरे चलो ना। यार जल्दी चलना, ऐसे क्यों चल रहा है जैसे डेट आई हो? यार बात वो नहीं है। अबे तो क्या बात है, मुझे भी बता दे। कल रात ना मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई थी। ओ अच्छा, गर्लफ्रेंड को फेलने के चक्कर में खुद फेल गया। यार उसके अंदर ना इतनी आग है कि बुझती नहीं है, कि सारा सोई नहीं और सुबह उठती फिर रेडी थी। भाई यार इतनी भी आग होती है? यार जो लड़कियां छोटी उम्र में ये सब कर लेती है ना, उनका इंटरेस्ट दिन पर दिन बढ़ता रहता है। फिर तो अच्छा हुआ भाई, मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, अब मेरी वाइफ मुझे दिन रात इस चीज के लिए परेशान तो नहीं करेगी। क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, पैग लगा रहा था। और तू? मैं तो वही कर रही हूँ जो हर रोज फील करती हूँ। मतलब मूड बन गया जनाब का? हाँ बहुत ज्यादा मूड है। मगर आज रात कैसे आओगी, अब कौन सा बहाना लगाओगी? आज तो जो करूंगी खुद ही करूंगी। और बताओ कल कैसा लगा फिर? एक्चुअली ना मुझे टाइम चेंज करके बहुत अच्छा लगा, अगर मेरे पास और टाइम होता तो जगह भी चेंज कर लेते, कहीं हिल स्टेशन पर चलते। सही है, तुम तो PhD कर रही हो सेक्स पर। चलो मैं रखती हूँ फोन, मुझे कंटिन्यू करना है। चल कैरी ऑन। अबे परसों मेरी शादी है, याद है ना तुझे? ओ सॉरी भाई मैं तो भूल गया था, मैं तो मुंबई जा रहा हूँ शाम को काम से। अबे यार तू टेंशन मत ले, मॉर्निंग की फ्लाइट से आ जाऊंगा मैं। गौरव यार कमाल करता है तू, कितने दिन पहले तुझे कार्ड दे दिया था मैंने। अबे तू टेंशन मत ले, पहुंच जाऊंगा तेरी मैरिज पे डायरेक्ट मैं। अगर नहीं पहुंचा तो? यार बोल दिया ना, तुझे यकीन नहीं है क्या? वो तो है। बस फिर मिलते हैं तेरी शादी वाले दिन। चल मिलते हैं फिर परसों। हेलो कैसे हो? ठीक हूँ, तू बता। कॉल की थी? मिले आज? नहीं यार मैं तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। ओह जब तुम्हें पता था कि मेरे पास आज का ही दिन है तो? किया तो और क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ी लेट की फ्लाइट कर लेते तो सब कर लेते।
लास्ट फ्लाइट से जा रहा हूँ मैं, इसके बाद मुंबई के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। छोड़ यार। कोई बात नहीं, फिर भी तो मिल सकते हैं। अच्छा चल ठीक है बाय, पहुंच गया मैं। हाँ कर दी ना वही बात, आया नहीं ना तू मेरी शादी में। यार क्या बताऊँ यार, मैं यहाँ मुंबई में फंस गया था। क्या यार गौरव, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। यार अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जाता ही ना। छोड़ ये बातें, अभी कहाँ है? यार यहीं मुंबई में फंसा हुआ हूँ, कल रात की फ्लाइट से आऊँगा। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। फिर सीधा घर पहुँच जाना। जो हुक्म मेरे मालिक। चल क्या यार, मुझे था कि नहीं भाभी डोर ओपन करेगी और तू ही सामने आ गया। अबे शर्म तो नहीं आती, अभी 2 दिन हुए उसे शादी करके आई को और डोर वो ओपन करेगी। चल अब अंदर भी बुलाएगा कि बाहर से वापस भेज देगा। आजा आजा, एक काम कर तू बैठ, मैं वाइफ को बोल दूं मेरा वो अजीज दोस्त आया जो साला शादी में भी नहीं आया था। अच्छा इसका मतलब अब बेइज्जती करके मिलवाएगा तू? अबे यार दोस्तों की ना ही कोई इज्जत होती है ना ही कोई बेइज्जती। घर तो वही है पर भाभी जी ने आकर घर का नक्शा ही बदल डाला। वो तो है। अबे बहुत अच्छी है मेरी वाइफ, जितना मैं इससे पहले पाया उससे भी कहीं ज्यादा। तुम लोगों की शादी हुई है ना? अबे और क्या, तो शादी वाले घर में कोई स्वीट डिश वगैरह मुंह मीठा कराओ यार। अबे रुक तो सही, तेरी भाभी लेके आ रही है चाय के साथ। ले आ गई तेरी भाभी। हाय। हेलो। तो जब फैमिली ने सब डिसाइड कर लिया था तो यहाँ पर अकेले मिलने का क्या मतलब, मैं समझी नहीं। देखो मैं मानता हूँ कि फैमिली ने मेरे लिए अच्छी लड़की चुनी होगी, मगर मेरे माइंड में 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं वहाँ नहीं पूछ पाया। ओके, जब सब पूछ लिया था तो ये भी पूछ लेते। नहीं वो बात ना फैमिली के सामने होने वाली नहीं थी। ओके पूछो क्या है आपके क्वेश्चंस। देखो बुरा मत मानना, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि बोलो। एक्चुअली मैं वर्जिन हूँ और मैं चाहता था कि मुझे लड़की भी वर्जिन ही मिले, तो अगर आपका कोई रिलेशन रहा हो तो आप अभी भी मुझे बता सकते हो। सच में आप वर्जिन हैं? और आप? जब मैं वर्जिन लड़का ढूंढ रही होंगी तो ये क्लियर है ना मैं भी वर्जिन होंगी। ओह रियली? ओह दैट्स ग्रेट। चलो फिर अपने पापा को बोलो मैरिज की डेट फिक्स करो। श्योर। ईशा? ईशा? हाँ? कहाँ खो गई? लगता है भाभी जी को मायके की याद आ गई। ईशा ये तुम्हारा देवर है गौरव। हाय। हाय भाभी जी, कॉन्ग्रेट्स फॉर न्यू लाइफ। क्यों गौरव, कभी देखी है किसी की ऐसी वाइफ? गर्लफ्रेंड तो देखी है पर वाइफ नहीं देखी। तू साले अब गर्लफ्रेंड के चक्रों से निकल और शादी करवा ले, देखा कितनी अच्छी लड़की मिली है मुझे। सही बात है यार, मानना पड़ेगा, जंग जीत गया तू तो। कितना शर्मा होगी? क्यों? 2 दिन हो गए यही सब करते हुए, अभी भी इसी चीज को लेके शर्मा रही हो? क्या करूं, मैंने पहले कभी ये सब किया नहीं ना, तो इसीलिए थोड़ा अजीब लगता है। मैं समझ सकता हूं, तुम वर्जिन थी ना और स्टार्टिंग में ये चीज थोड़ी मुश्किल लगती है ना।
आज के लिए बस इतना ही। मैं नहीं चाहता तुम हर रोज एक ही दर्द सहो। ठीक है, गुड नाइट। यार सही तो है, ईशा कहीं दूर थोड़ी ना गई है, दोस्त के पास ही है। जब दिल किया मिल लूंगा। हैरी, हैरी, येलो बैग। थैंक यू। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अच्छा, इतना प्यार हो गया हमसे? अटैचमेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना जान। स्टॉप ईशा, ये सब करने के लिए रात होती है ना, और मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आधा घंटा लेट नहीं जा सकते क्या? नहीं, फिर बॉस बोलते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। और हाँ, वो गौरव आएगा, उसका कुछ सामान पड़ा है, उसे दे देना। ओ ईशा, मतलब ईशा भाभी, और बताओ कैसी हो? ठीक। अंदर आओ। यार ये तो कमाल ही हो गया, तुम मेरे फ्रेंड के साथ ही। हाँ यार, वो ना मुझे पता नहीं था कि हैरी तुम्हारा फ्रेंड है। मगर उसे तो वर्जिन लड़की चाहिए थी। तो मैंने उसे यही बोला था कि मैं वर्जिन हूँ। मगर वो सब तो ओपन था। अरे समझा करो ना यार, तभी तो मैरिज की डेट मेरी डेट के हिसाब से रखी गई, क्योंकि कहते हैं कि उन दिनों वर्जिन लड़कियों का भी सब कुछ खुला होता है। और बताओ कैसे जा रही है तुम्हारी रातें? ठीक ही है, शादी के 2 दिन बाद ही गैप पड़ गया। ओह फिर? कुछ नहीं, चलो छोड़ो, तुम जो लेने आए हो वो ले जाओ। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और ही लेना चाहिए। ईशा जल्दी से एक अच्छी सी चाय बनाओ यार। ईशा क्या हुआ तुम्हें, ऐसे बेड पे क्यों लेटी हो? ईशा क्या हुआ तुम्हें, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ,
बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने सारी हड्डियां तोड़ दी हैं। मैं समझ सकता हूँ, शादी के 2-3 दिन बाद हमने लगातार जो किया ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए तो मैंने कल रात कुछ नहीं किया, नहीं तो ये पेन और बढ़ जाना था। चलो तुम रेस्ट करो, मैं खुद चाय बना के लाता हूँ। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही मतलब? मतलब वो कंपनी वालों का था, सारा दिन फोन करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फिर तो अच्छा किया डिस्कनेक्ट करके, वैसे भी ये फ्रॉड ही होते हैं। क्यों बस करो? वो मेरा। क्या मेरा? वो मेरा ऐसे ही हो गया। ओके ईशा, मैं जा रहा हूँ। रुको, ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे आज भूख नहीं है। तो मेरी भूख तो मिटाते जाओ। रुको यार ईशा, रात को भी रह गया था और अब भी तुम रोक रहे हो। यार ईशा, अभी ऑफिस का टाइम है, रोमांस का नहीं। मगर रात को भी तो रह गया था ना यार। हर रोज एक ही चीज हो ये जरूरी तो नहीं। और अभी मुझे ऑफिस के लिए जाना है, अभी मुझे जाने दो। हेलो गौरव। हाँ हाय ईशा, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे लगा था कि मैरिज के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, बट अब लग रहा है कि मैरिज के बाद भी तुम्हारी जरूरत है। चलो सही है, नहीं तो अक्सर शादी पर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाती हैं। तुम अभी आ सकते हो क्या? यार नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? यार एक्चुअली ना मैं मुंबई जा रहा हूँ किसी काम के लिए, तो थोड़े दिनों बाद आऊंगा तभी मिल पाऊंगा। Thank you.
हैरी, 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 उठ जाओ ना। उठ जाओ, क्यों सो रहे हो? यार ईशा सो जाओ, ये सोने का टाइम है, उठने का नहीं। मगर कुछ किए भी नहीं सोए क्या? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ ईशा, बहुत टाइम हो गया। रुक जाओ ईशा, अभी मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। क्या यार हैरी, रात को तुम्हें सोना होता है और मॉर्निंग तुम्हें ऑफिस की याद आ जाती है, मेरे लिए कहाँ है टाइम? यार हर रोज ये चीज करनी जरूरी थोड़ी होती है। हैरी आर यू ओके? हमारी मैरिज को अभी एक महीना भी नहीं हुआ और ये सब चल रहा है। लोग तो पूरा साल गैप नहीं डालने देते। लोगों के पास होता होगा इतना फ्री टाइम, मेरे पास नहीं है। हैरी मेरी सेहत ठीक नहीं है, तुम किसी डॉक्टर को भिजवा दोगे? कोई बात नहीं, मैं घर आ जाता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आओ, तुम अपना काम करो, डॉक्टर को घर पे भेज दो। एक है मेरे लिंक में डॉक्टर, उन्हें भेज देता हूँ। Thank you.
अंदर आओ। जी मुझे डॉक्टर पांडे जी ने भेजा है। बताइए किसकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी। ओके, क्या तकलीफ है आपको? देखो मेरा शरीर ना पूरी तरीके से गर्म है, तो उसे ठंडा कर दो। हाँ बॉडी तो काफी गर्म है आपकी। ऐसे हाथ लगा के रखो, थोड़ा अच्छा फील होता है। वो आपको ना एक इंजेक्शन लगेगा, लेकिन मैं वो अपने साथ लेके नहीं आया। जो इंजेक्शन मुझे चाहिए वो तो तुम्हारे पास है। मैम ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने शरीर को ठंडा कर रही हूँ। मैम आपने ये सब मेरे साथ ही क्यों किया? बोलिए मैम, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने मेरे साथ ही क्यों किया? जो लड़कियाँ छोटी उम्र में ये सब कर लेती हैं ना, उनकी प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और मेरे साथ भी यही सब हुआ। पर अब तो आपकी प्यास बुझाने के लिए है ना आपके हस्बैंड, तो अब क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है, अब मेरी प्यास मेरे हस्बैंड से बुझ ही नहीं रही है। हेलो, अब कैसी ऐसे है तुम्हारी, कुछ फर्क पड़ा? बॉडी पूरी गर्म हो गई थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है अभी तुम रेस्ट करो। रेस्ट ही तो कर रही हूँ। ईशा, 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 तुम बीमार थी ना, रेस्ट कर लेती। हो गई थी रेस्ट। मतलब? मतलब कि आराम कर लिया था, अभी उठी हूँ। तो अब कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा। अच्छा ही फील करोगी, वो डॉक्टर जो कमाल का था। डॉक्टर भी कमाल था और उसका इंजेक्शन भी। अच्छा यार एक और पंगा हो गया। क्या हुआ? ओ यार वो बॉस कह रहे हैं कुछ दिन के लिए मुझे नाइट शिफ्ट लगानी पड़ेगी। ये कौन से पंगे की बात है, ये तो अच्छा हुआ। अच्छा क्यों? मतलब कि रात में तो मैं सो जाती हूँ और हमने बातें तो दिन में ही करनी होती हैं, सो दिन में घर में रहोगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। ये भी ठीक है। मुझे सोना है। क्या हुआ, कल रात तो मुझे उठा रही थी। वो तब तक कंपाउंडर का इंजेक्शन नहीं लगा था ना। कंपाउंडर का इंजेक्शन मतलब? मतलब कि उन्होंने बोला था कि इंजेक्शन के 24 घंटे तक कुछ ऐसा वैसा मत करना। अच्छा और क्या बोला था? और उसने बोला था कि ये इंजेक्शन आगे भी लगवाते रहना वरना फीवर आ जाएगा। कोई बात नहीं, जब भी तुम लो फील करो कंपाउंडर को बुला लेना, वो इंजेक्शन लगा देगा।
चाय बहुत अच्छी बनी थी, थैंक यू। चलो ठीक है ईशा, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आज मेरी डे और नाइट शिफ्ट है तो मैं कल सुबह आऊँगा। डॉक्टर, मुझे ना आज भी फीवर फील हो रहा था, तो क्या आप अपने कंपाउंडर को भेज देंगे इंजेक्शन लगाने के लिए? प्लीज थोड़ा जल्दी भिजवाइएगा। आज बैग नहीं लेकर आए, इंजेक्शन कैसे लगाओगे? जिस इंजेक्शन की आपको जरूरत होती है वो बैग में नहीं होता। अच्छा, समझदार हो गए हो। बस आपने बना दिया। अच्छा, जी मैं इस सोसाइटी का प्रधान हूँ, वो आपका फ्लैट का मेंटेनेंस काफी टाइम से खड़ा था ना, उसी के बारे में बात करनी थी। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया, कोई बात नहीं, मैं शाम को आता, तब तक आपके पति भी आ जाएंगे, उनसे भी बात हो जाएगी। आप प्लीज कैरी ऑन। यार ये सब क्या हो गया? अगर इसने तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ बता दिया फिर? उसको बाद में देखेंगे, पहले हम अपना काम कर लेते हैं। मैम प्लीज रुकिए। मेरे सिर को ये सब चढ़ चुका है, अब मैं नहीं रुक सकती। पता नहीं क्या है तुम्हारे अंदर, मुझे एकदम ठंडा कर देते हो। अच्छा, ग्लूकोस लगने से राहत तो मिलती है ना जी। अच्छा सुनो, तुम अभी जाओ, रात को मिलते हैं। रात को? रात को तो तुम्हारे हस्बैंड ना होंगे घर पे? नहीं, आज उनकी नाइट की भी शिफ्ट है और हम अपनी नाइट शिफ्ट लगा लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। और वो प्रधान का क्या करोगी? वो शाम को आएंगे और शाम को हस्बैंड होंगे नहीं, मैं कर लूंगी उसे अपने हाथों में। वो कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। वो आए नहीं अभी तक।
कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। वैसे भी हमें पता चल चुका है कि आप मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हो। मतलब? मैं वही मेहमान नवाजी की बात कर रहा हूँ जो वो लड़के के साथ हो रही थी। चलो आपके पति के पास भी आपकी तारीफ कर देंगे कि आप मेहमान नवाजी बहुत प्यार से करती हो। नहीं कर पाओगे आप उनसे बात। क्यों? क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि उससे पहले मैं आपकी मेहमान नवाजी कर दूंगी। क्या हुआ, मेहमान नवाजी में थक गई क्या? हिला भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा शरीर टूट गया है। ये तो होना ही था, मर्द के हत्थे आज चढ़ी हो। सच बोला आपने, असली मर्द से आज ही पाला पड़ा है। अच्छा सुनो, अब मेरे हस्बैंड को बताओगे तो नहीं? बहुत चलाक हो, हर किसी को बस में करना बहुत अच्छी तरह से आता है। बाय। हेलो। हाँ जी, आए तो नहीं आपके हस्बैंड? मैं नीचे आ गया हूँ। वो तो नहीं आए, पर तुम मत आना। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, जब इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, अब लगवा लिया मैंने बड़े वाला इंजेक्शन। साला, ये तो और ही फंडा हो गया। लगता है मैडम ने किसी और से इंजेक्शन लगवा लिया। तो इसका मतलब ये प्रधान मेरी इस लव स्टोरी में भी आ गया और मैडम को इसका इंजेक्शन फिट आ गया, तभी मुझे मना कर रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाकर रहूंगा। पहले इस साले प्रधान को यहां से जाने दो। गए नहीं, मैंने बोला था चले जाओ। हाँ, अब प्रधान का इंजेक्शन लग गया ना, तो मेरा कहाँ पसंद आएगा। मैं मजबूर थी, अगर मैं ये सब नहीं करती तो वो हमारे बारे में मेरे हस्बैंड को बता देता। हाँ ठीक है, मगर मुझे क्यों मना किया? सुबह तुम ठोक कर चले गए और शाम को वो, मेरी जितनी आग थी सब बुझ गई। मगर मेरी आग का क्या होगा, मैं तो आज पूरी तरह से खा पी कर आया था कि मैडम की तसल्ली करवाऊंगा। तसल्ली हो गई, अब मुझे सोना है। हाँ ठीक है, एक बार करके सो जाना। नहीं, मुझे अभी सोना है। चलो ऐसा करते हैं, एक साथ सोते हैं, सुबह तक तुम्हारा मूड भी बन जाएगा, तब कर लेंगे। हाँ वैसे अर्ली मॉर्निंग कभी किया भी नहीं, तो उसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ बड़ा छोटा गोरा काला, डे नाइट इवनिंग मॉर्निंग, बड़ा एक्सपीरियंस करते हो आप। एक ही तो जिंदगी है, उसे सब तरीके से जीना चाहती हूँ। मगर मॉर्निंग मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, तब तक हम अपना कर लेंगे एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस तो मैं करती हूँ, तुम कब से करने लगे? जब से आपके साथ करने लगा। उठो, उठ जाओ। अब क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, करना है हमें। हैं? अभी करना है क्या? यही तो टाइम बचा है जिसमें मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया।